कांकेर में जन सहयोग संस्था एक जानी मानी संस्था रही है, जिसमें मुख्य रूप से पप्पू मोटवानी हमेशा सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा इनमें कई कार्यकर्ता भी शामिल हैं। आज कांकेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष राजीव गांधी पार्क के सफाई का योजना बनाई गई, जिसमें जन सहयोग संस्था के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर सामने आए और अपना सहयोग प्रदान किया। इतना ही नहीं, उनके कार्यों को देखकर एएसपी कांकेर मनीषा रावटे भी सम्मिलित हुई और स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। कांकेर से प्रमिला नेताम की रिपोर्ट। जन सहयोग संस्थान के साथ में मिलकर पुलिस विभाग ने भी ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है कल से, कि जो हमारा कार्यालयीन परिसर है उसके आसपास की साफ सफाई का, और एक गार्डन जो पहले कभी ऐसा लगता नहीं था कि वो गार्डन है, आज इतना खूबसूरत लग रहा है। सभी के सहयोग से, इस संस्थान के सहयोग से, पुलिस विभाग के द्वारा जो प्रयास किया गया है उसके, सभी लोगों के सानिध्य में एक इतनी खूबसूरती हमने देखी है। और जो ये अभियान लगातार चालू है जो कांकेर को स्वच्छ बनाने और खूबसूरत बनाने के लिए है, तो उस प्रयास का हम भी हिस्सा है। इस बात पे हमें बहुत खुशी है और ये प्रारंभ है, लेकिन ये कार्यक्रम हम लगातार जारी रखेंगे ताकि हम एक स्वच्छ वातावरण में रह सकें। 12 साल हो गया अभियान चलाते, और कहीं ना कहीं प्रति सप्ताह हम अभियान चलाते हैं। उसको देखते हुए एसपी ऑफिस के सामने और कलेक्टर ऑफिस उसके सामने राजीव पार्क है, तो काफ़ी सारी झाड़ियाँ लग गई थी और कंटिन्यू हमको ये शिकायत आ रही थी कि कुछ अपराधी तत्व के लोग हैं जो उसको जाली को भी तोड़ रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। उसको देखती है हम लोग यहाँ एडिशनल एसपी मैडम से हमने चर्चा की कि भाई क्यों ना एक यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया जाए, तो उन्होंने बिल्कुल हाँ कहा। और आज हमारा दूसरा दिन है सफाई का, और पार्क ऐसी स्थिति में थी कि हम लोग लगभग 10 से ज़्यादा ट्रैक्टर हो गया हम यहाँ से झाड़ी झड़कर निकाले हैं, और अभी भी हमको ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमारी सफाई जो है 70% हुई है, 30% हमारी बाकी है। तो हम लोग एक निर्णय लिए, जो हमारे समाज सेवी भाई है जितने हम लोग मिलकर और अधिकारी जन सारा हम लोग निर्णय लिए हैं कि इसको हम स्वच्छ सुंदर बनाया के ही छोड़ेंगे।